दर्द का रिश्ता होता है। क्योंकि आंखों पर रिश्तों की धुन चढ़ी होती है तो सच्चाई नजर नहीं आती, और वही सच्चाई आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस घर में रहने का फैसला किया था। केदार, जाकर देखो भाग्य पीलीभीत से वापस लौटा कि नहीं। हमारा ही नमक खाकर तूने हमारे साथ नमक हरामी की। शायद तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं है कि अगर मैंने मैंने उस बुढ़िया को मार दिया तो तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्योंकि तुम तो इस बात को साबित कर चुके हो कि बुढ़िया मर चुकी है, और मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि तुम दोनों ने ही उस बुढ़िया को मारा है। तो बोलो, उसके बाद कौन फंसेगा? तुम फंसोगे अमरनाथ, तुम फंसोगे केदारनाथ, तुम। देखा पापा जी, ये है सच। जो आप लोगों के सामने था लेकिन आप लोग देख नहीं पा रहे थे। आप लोग मेरे फूफा जी को गलत समझ रहे थे। लेकिन असली गुनाहगार तो बांकीलाल चाचा है। अरे ओ पटर पटर, तू चुप बैठ। बहुत ज्यादा बोलती है तू। अभी भी अपने फूफा जी को शरीफ और ईमानदार समझ रही है? अरे मैंने ही तो तेरे फूफा जी का साथ दिया था इस बांकीलाल शर्मा ने, और तुम भी सुन लो, तय हमारा यही हुआ था 50-50। लेकिन आज बंटवारा हो गया और मैंने अपने हिस्से की 20 एकड़ जमीन ले ली। आप सभी हैं तो इसी खानदान के, लेकिन इसी खानदान के होकर आप इतना नीचे गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। किसी को सोचने समझने का मौका दे तो उसका नाम बांकीलाल शर्मा नहीं। बस अब तुम सब लोग एक बात तो ध्यान से सुन लो कि अगर तुम लोगों ने जरा भी चू चपाट की तो बुढ़िया गई। तुम सब लोगों को कम से कम 1 महीना तो चुप बैठना पड़ेगा। अमरनाथ, नौकर समझते थे ना तुम मुझे, मैं तुम्हें मालिक बन के दिखाऊंगा अपने हिसाब से। देखो बांकीलाल, वो जमीन तो तुमने अपने नाम पर करवा ली, ठीक है, नहीं चाहिए हमें जमीन। बस इतना बता दो कि हमारी मां कहां। एक बात बताओ अमरनाथ, क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगता हूं? हां,
तुम्हारी माँ का तुम्हें पता बता दूं और तुम जाकर एतराज दर्ज करवा दो ताकि जो जमीन मेरे नाम पर हुई है वो हो ही नहीं। अरे मैं बेवकूफ नहीं हूं। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, सुरभि का उस घर में रहना एक समझौता था। आपका मान सम्मान वापस दिलाने के लिए वो शादी के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि बाकी लड़का भेद खोलने के लिए उसे उस घर में रहना जरूरी था। तो क्या हम उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे? बांकेलाल की सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है भाभी। मैं ये जान चुका हूं कि इन सारी साजिशों के पीछे बांकेलाल ही है। लेकिन हम उसकी ये सच्चाई खोल भी तो नहीं सकते। उसने हमें मजबूर कर रखा है भावना। हम बहुत मजबूर हैं इस समय। अब एक बार बांकेलाल को फोन करके बात तो कीजिए कि यदि सुरभि पर आंच भी आई तो उसका भेद भी छुपा नहीं रहेगा। एक बार फोन करके बात कीजिए ना, फिर देखिए वो क्या कहता है। मक्कार, धोखेबाज, फरे भी कहते हो तुम। अरे इस दिल में जो आग धधक रही है उसे लगाने वाला भी तुम लोग हो। अरे क्या खोया तुमने जिसे तुम लोग पा नहीं सकते? लेकिन हाँ, जो मैंने खोया है उसे मैं कभी हासिल नहीं कर सकता। बेटा खोया है हमने हमारा। इलाज के अभाव के कारण मौत हो गई उसकी। आप लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए मौत हुई उसकी। ओ, तो उस बात का बदला ले रहे हैं आप लोग? हाँ, उसी बात का बदला ले रहा हूं मैं। बरसों से मैं उस आग में जलता रहा हूं। आज उस पर थोड़ी सी बुहार पड़ी है। ठंडक अभी बाकी है अमरनाथ अपने हिसाब से। लो, आ गया तुम्हारे फूफा मुकुंद प्रसाद चौरसिया का फोन, मेरे 50% के पार्टनर का फोन। बोलिए मुकुंद भाई, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपने हिसाब से? ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो बांकेलाल? मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि हाँ हाँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अरे भाई, हमारा आपस में बंटवारा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे परेशान होने की कोई बात नहीं,
अरे किसी को पता पड़ता है तो पढ़ने दो, बात खुलती है तो खुलने दो। लेकिन जब तक वो बुढ़िया हमारी मुट्ठी में है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता अपने हिसाब से। अरे मेरा तो क्या, आपका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बुढ़िया ने कम से कम हम दोनों को करोड़पति तो बना ही दिया अपने हिसाब से। बकवास कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच दूं। आप फिक्र मत करो मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, अरे जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, आप तो बस चादर तान के सो जाओ अपने हिसाब से। तुम जरूर वहां पर किसी को अपनी बात सुना रहे हो, मुझे गलत साबित करना चाहते हो ना तुम? हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, जब तक उस बुढ़िया की जान हमारी मुट्ठी में है तब तक आप भी और मैं भी दोनों जन सुरक्षित। आप भी ईमानदार, मैं भी ईमानदार अपने हिसाब से। बिल्कुल, मेरे फूफा जी आप जैसे लोगों के पार्टनर हो ही नहीं सकते। वो धोखेबाज और बेईमान नहीं हो सकते। पापा जी, चाचा जी, हाँ जी, ये आपको फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इनकी बात मत मानिए, मत मानिए इनकी बात। अब भी अपने फूफा मुकुंद प्रसाद चौरसिया को ईमानदार। वाह वाह वाह, चलो नैना, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहरूंगा, इससे भी बड़ा घर बनाऊंगा। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन ये सब होने वाला है। मैंने पहले से इंतजाम करके रखा था। अच्छा तो मैं चलूं? नमस्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलो नैना, अपने हिसाब से। मैंने पांकेलाल को फोन करके शायद बहुत बड़ी गलती की है, पता नहीं वो किसके साथ था, किसे अपनी बातें सुना रहा था। वो तो मेरे साथ ऐसे बातें कर रहा था जैसे मैं उसका दोस्त हूं। मैं इधर गुस्से में भड़क रहा था और वो बड़े इत्मीनान से कह रहा था कि जब तक माताजी हमारे कब्जे में है कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। पापा इसका क्या मतलब है? वो चाहे जिसके भी सामने रहा लेकिन उसने अपनी तरह मुझे भी एक गलत इंसान साबित कर दिया है। शायद वो ये जताना चाहता है कि मैं बांकेलाल से मिला हुआ हूं और हमने जमीन का आधा आधा बंटवारा कर लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। पापा आखिर वो कहां रहा होगा, किसके सामने बातें कर रहा होगा? उसने भी तुम्हारे साथ शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि वो हमसे अपनी दादी माँ को वापस हासिल कर सके।
दर्द का रिश्ता होता है। पापा आखिर वो कहां रहा होगा, किसके सामने बातें कर रहा होगा? कहीं फिर भी के घर में तो ये सब कुछ नहीं चल रहा था। हाँ माँ, सुरभि को इस बात की जानकारी हो सकती है, मैं सुरभि को फोन करता हूँ। हाँ हाँ बेटा, लगा फोन लगा उसे। हेलो चंदन भैया। सुरभि तुम रो रही हो क्या? हाँ, क्योंकि मैंने ही अपने तकदीर में आंसू लिख लिए हैं। ला चंदन फोन मुझे दो। अरे मैं बात करती हूँ ना, लाओ दो। लेकिन माम। अरे मैं बात करती हूँ ना, लाओ दो। हाँ सुरभि बेटा। तो आप? हाँ सुरभि बेटा, क्या चल रहा है उस घर में? क्या बताओ बुआ, मैं तो सच के साथ चलना चाहती थी कि सच की वजह से मुझे इतनी बड़ी ठोकर लगी कि मुझे नहीं मालूम था। ये क्या कह रहे बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। बुआ जिस बात को हम छुपाना चाहते थे वो सबको पता चल गया। सबको पता चल गया कि मुकुंद प्रसाद ही मेरे फूफा जी, और जब ये बात सबके सामने आई तो मैंने बाकेलाल चाचा के बारे में भी सबको सब कुछ बता दिया। बाकेलाल का मामला खुल चुका है? तो फोन मुझे दो। हेलो सुरभि। फूफा जी, क्या बाकेलाल की बात उस घर में खुल चुकी है? सुरभि क्या हुआ बेटा, मुझे सारी बात बताओ। बाकेलाल अपने बेटे की मौत का बदला ले रहे थे और इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। आज बाकेलाल चाचा को घर से निकाल दिया गया, लेकिन फूफा जी आपने बाकेलाल चाचा को फोन क्यों किया? मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहता था सूर्य, क्योंकि वो 20 एकड़ जमीन अपने नाम पे करवाने के बाद भी माता जी को हमारे हवाले करने से इनकार कर रहा। नहीं फूफा जी, आपको फोन नहीं करना चाहिए था। बाकेलाल चाचा ने सबके सामने ये बात साबित कर दी कि उनके साथ आप भी मिले हुए थे। आज सबके सामने मैं झूठी बन गई, सब मुझसे नफरत करते हैं। अब तो सिर्फ वैभव का ही सहारा है। वैभव? नहीं सुरभि नहीं, उसने भी तुम्हारे साथ शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि वो हमसे अपनी दादी माँ को वापस हासिल कर सके। वैभव हरिद्वार आया था बेटा, और उसने इसी मकसद से तुम्हारे साथ शादी की। ऐसा नहीं हो सकता, वैभव के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। नहीं मेरी बच्ची, यही सच है। हम तो इसे शादी समझ रहे थे, लेकिन ये उन लोगों की चाल थी हमें मजबूर करने की। पता नहीं उन्होंने शादी की है या सौदा समझकर ये रिश्ता जोड़ा है। नहीं ये रिश्ता भी दर्द का रिश्ता ना बन जाए। आओ नैना आओ,
ये घर है देखा, इसी घर को मैंने लेने की सोची है। फिलहाल तो किराए पर है लेकिन बहुत जल्द अपना हो जाएगा। आओ बैठो बैठो अपने घर से। अब क्या सोचने लगे? अरे अब ये घर तुम्हारा है, बस एक बार वो जमीन मेरे नाम हो जाए फिर उसके बाद इस घर को मैं खरीद लूंगा और तुम इस घर की रानी होगी और मैं केदारनाथ और अमरनाथ से भी ठाट बाट में रहूंगा। अपने हिसाब से भगवान करे ऐसा ही हो, पर अभी भी एक महीने का वक्त। पर सच को ये बात अभी उन लोगों के सामने नहीं खुलनी चाहिए थी। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है नैना, कि ये बात अगर खुली तो खुली कैसे अपने हिसाब से? मुझे तो लगता है कि सुरभि ने अपने फूफा को बचाने के लिए ये बात खोली होगी। अगर गिरा हुआ साबित होने में इतना सब कुछ मिलता है तो गिरने में फायदा है। दर्द का रिश्ता होता है। मुझे तो लगता है कि सुरभि ने अपने फूफा को बचाने के लिए ये बात खोली हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि आज मैं पीलीभीत में जब मुकुंद प्रसाद से मिला तो उसे भी ये पता चल गया कि ये खेल मैं ही खेल रहा हूँ अपने हिसाब से। हो सकता है उन्होंने सुरभि को फोन करके आपका नाम बता दिया। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने नैना, सुरभि ने बताया होगा अमरनाथ और केदारनाथ को, और मैंने मुकुंद प्रसाद से बात करते वक्त इस बात का एहसास दिला दिया कि वो भी मेरे साथ मिला हुआ है। अब अमरनाथ और केदारनाथ मुकुंद प्रसाद को भी उतना ही गिरा हुआ आदमी समझते हैं जितना कि मुझे। मुझे गिरा हुआ साबित कर रहे हैं। चलो तो ठीक है नैना, अगर गिरा हुआ साबित होने में इतना सब कुछ मिलता है तो गिरने में फायदा है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि इन सब के पीछे बाकीलाल भाई साहब का हाथ होगा। हाँ भाई साहब, काश काश कि हम बाकीलाल को पहले ही समझ जाते। केदार, अगर हम पहले ही समझ जाते तो वो गलती नहीं करते जो हमने की। नैना, मुकुंद प्रसाद चरसिया को फोन लगाकर बोल कि उसको भी आपको खत्म करते हैं। नहीं! नहीं! आप लोग चाहे जो भी कहें, मगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं बांधता कि सुरभि से कोई कसूर हो सकता है। वो एक समझदार लड़की है और आप लोग तो कहा करते थे ना कि वो आपके गुरुजी की बेटी है। फिर ऐसी संस्कारी लड़की ऐसे गलत काम में शामिल कैसे हो सकती है?